आज का आपके लिए सरप्राइजिंग लेक्चर है। जिन बच्चों को भी ये जानना है कि सर हम क्लास 11 की क्लास को कैसे ज्वाइन करें, मेरा क्लास छूट गया है, मेरा चैप्टर छूट गया है, या मैं ये चाहता हूँ कि ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ लेकिन बैक वाला भी हम लोग कंप्लीट करके चले और अपने लेवल्स को अप करके रखें, तो जिन बच्चों को भी नीट जेई साथ साथ पढ़ना है वो जरूर ज्वाइन करें। जी निकले लेकिन जिनको नीट जेई को साथ में लेके चलना है वो बच्चे इस लेक्चर से जरूर जुड़े हुए रहे। सर इस लेक्चर से तो हम लोग जुड़ जाएंगे पर ऑनलाइन क्लास की एक सबसे खास बात क्या होती है, सबसे ड्रॉबैक क्या होता है कि सर हम बात नहीं कर पाते, हमें कुछ प्रॉब्लम्स होता है, कुछ डाउट्स होता है, या हमें अगर कुछ प्रॉब्लम पूछने हैं, हमें स्टडी पैकेज चाहिए, हमें नोट्स चाहिए, इस सारे चीजों का घबराइए मत, समाधान हो चुका है। आप सभी लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाला गया है पहले उस लेक्चर नंबर 0 को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये लेक्चर्स क्या है और किस तरह से इसे ज्वाइन करना है। तो आइए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हम लोगों का पहला टॉपिक है, जुड़ जाइए डेली आपको लेक्चर्स मिलते चले जाएंगे। आज सबसे पहला चैप्टर सर कि सर क्लास 11 का सबसे पहले चैप्टर का नाम है बच्चे लोग फिजिकल वर्ल्ड। देखिए बेटा ये फिजिकल वर्ल्ड, ये जो हमारे पास चैप्टर है, सॉरी फिजिकल वर्ल्ड जो हमारे पास एक चैप्टर है, फिजिकल वर्ल्ड ये चैप्टर नंबर 1 है। देखिए मैं अगर आप नीट जेई के प्रस्पेक्टस से बात करूं तो नीट जेई में ये चैप्टर कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, इसीलिए आप कई अच्छे अच्छे नीट्स के बुक देखिएगा और जेई के बुक्स देखिएगा तो उसमें इस चैप्टर को गोल कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इससे जो भी चीज़ आपको पढ़ाई होगी ऑलरेडी आपको 11th और 12th पढ़ने पढ़ने तक इस सब चीज़ की नॉलेज वापस हो जाती है। तो यहाँ पर किया क्या गया है कि बहुत बेसिक सी बात आपको इस चैप्टर में बताई जाएगी, अगर आप नहीं भी जानोगे तो ओवरऑल साइंस जब पढ़ लोगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा बखेरा खड़ा नहीं करूँगा कि यहाँ पर मैं रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहा हूँ, कूलम्ब साहब का नियम पढ़ा रहा हूँ, ये सब फालतू बकवास है। क्यों? ऑलरेडी आप वहाँ पढ़ रहे हो तो बिना लॉजिक के सर पैर के हाथ यहाँ मारने हैं कोई मतलब आपका नहीं बनता है, यहाँ टाइम पास हो जाएगा आपके लिए। आपको यहाँ बेसिक सी बातें जाननी कि फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी से उसका क्या रिलेशन है, बेसिक फोर्स क्या है और बेसिक नेचर ऑफ लॉज क्या है वो जान जाइए, फिर आगे बढ़िए, आप आगे पढ़ते चले जाइएगा, चीज़ें समझते चले जाइएगा। और यहाँ मैं अगर सारी बातें बताना चालू कर दूंगा तो आप कुछ नहीं बोलोगे, मैं जो बोलूंगा वही समझोगे, कोई डिस्कशन नहीं होगा, फालतू में आपका टाइम भी पास होगा इधर। तो इससे बेटर ये है कि हम लोग इस चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं बस एक बेसिक से नॉलेज के लिए, इसका नीट जैसे कोई कनेक्शन ज़्यादा नहीं है, इसके लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर तक चलना पड़ेगा। तो चलिए एक फॉर्मेलिटी है एनसीईआरटी में तो उसको हम लोग पूरा कर देते हैं। ये हमारे पास चैप्टर्स है, ये आपको फ्री अवेलेबल मिल रहा है यूट्यूब पे। ठीक है, तो कहा जाता है सबसे पहली बात इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्या तो हमको पढ़ना है इसमें फिजिक्स के बारे में, जो स्टडी करना है बेसिक प्रिंसिपल के बारे में, मतलब जो बेसिक लॉज होते हैं कि छोटे छोटे लॉ की आकर्षण कैसे हो गया दो चार्ज के बीच में, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको थोड़ा सा केवल जानना है, डिटेल नहीं जानना, थोड़ा सा केवल जानना है। और उसके बाद कौन से लॉज है हमारे नेचर में, कितने लॉज है, कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, बस यही चीज़ों के बारे में हमको जानना है इस चैप्टर्स के अंदर। तो आप सवाल ये क्या है, तो ये न्यूटन जी का फोटो है, बहुत बहुत खतरनाक वैज्ञानिक थे भाई साहब, बहुत इनका योगदान है फिजिक्स में। उसके बाद एप्पल लिए हुए, अगर 16वीं शताब्दी में अगर अभी तक जो कोई सबसे खतरनाक वैज्ञानिक का नाम आता तो न्यूटन जी का आता। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैक्सवेल है, टेस्ला है, बाकी चीज़ें है, लेकिन जितनी कम संसाधनों के साथ इस भाई साहब ने जितने चीज़ों के बारे में बता दिया यार गजब, सैल्यूट है इनको। तो खैर ये न्यूटन जी का फोटो है आपको, मतलब न्यूटन जी का ऐसे एक डेमो बनाया गया, इनका इस तरह से कलाकृति है, ये कोई और है। तो अब सवाल ये आता है कि सर ये तो हमने पढ़ लिया, अब हमको बताइएगा जरा सर साइंस क्या है। देखिए कई आपको परिभाषाएं मिल सकती है साइंस के बारे में, लेकिन कोई भी गलत नहीं है अपने आप में, लेकिन साइंस क्या है अगर मैं इसको बहुत बेसिक दृष्टिकोण से देखूँ तो आपको क्या लगता होगा कि साइंस क्या है, जरा सोच के देखिए। देखिए आप जब किसी चीज़ के बारे में कोई बात करते हो, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में ज़्यादातर ये चीज़ें होती है कि आप बात करते हो कि भाई साहब ये चीज़ हुई वो चीज़ हुई वैसे हुआ, जैसे कि मैं थोड़ा सा पास्ट में लेके चलूँ तो एक वर्ड आया था कि किसी ने बोल दिया कि सूर्य जो है वो धरती की परिक्रमा लगाती है, ऐसा बोला गया सूर्य जो है किसकी परिक्रमा लगाती है, धरती की परिक्रमा लगाती है। तो अगर इस बात को किसी ने दूसरे जाके बोला कि अरे भाई साहब ये बात तो गलत है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है, भाई साहब को फांसी पर लटका दिया गया, बताइए उस समय पर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हर राजा के पास कुछ मुख्य मुख्य दिमाग वाले लोग बैठा करते थे, इसको विद्वान दरबारी ये लोग कहा करते थे, तो वो बैठते थे और वो प्राकृतिक घटना या बाकी चीज़ों के बारे में अपनी राय रखते थे। राय कैसे रखते थे, तो लोगों को ये मानना था कि ये बुद्धिमान आदमी है तो कुछ बोल रहा होगा तो सोच समझ के ही बोल रहा होगा। तो कई बार ऐसा सही भी होता था पर कई बार गलत भी हो जाता था। तो क्या होता था कि वैसे कोई बात नहीं, गलती तो शुरुआत की, गलती क्या होता है, गलती तो समझिए आपके सक्सेस की एक निशानी है, क्योंकि आप गलती नहीं करोगे तो फिर अगला रास्ता कैसे खुलेगा। तो उन्होंने क्या बता दिया, जितने भी दरबारी लोग थे उन्होंने अलग अलग चीज़ों के बारे में अपनी अलग अलग राय देखी, एक नींव रखा,
उन्होंने क्या किया, कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में तथ्य बताया। वह तथ्य कई चीजों पर आधारित हो सकते हैं, या तो उस चीज के बारे में उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा, प्रयोग किया होगा कि हाँ भाई इसको इससे मिलाने पर ये आ रहा है तो ये आपको बता दिया गया तो ये साइंस हो गया, या कुछ ऑब्जर्वेशन किया होगा कि नहीं पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ये हमने देखा है, ऑब्जर्वेशन किया है। किस चीज़ से, एक पेन लिया, पृथ्वी की लोकेशन चेक किया, फिर पृथ्वी की चंद्रमा की लोकेशन चेक किया, फिर चंद्रमा का लोकेशन चेक किया। तो इस तरह से उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, कोई प्रयोग नहीं किया कि चंद्रमा को इसमें डालकर दिखा दिया गया, नहीं 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 ऑब्जर्वेशन किया। तो कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन से पता चली, कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट से पता चली, और उससे जो ज्ञान हासिल किया उसी ज्ञान को विज्ञान कहा गया। इसीलिए बच्चों यहां देखिएगा लिखा हुआ है, साइंस चीजें सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट टू एक्वायर नॉलेज। सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज मतलब डीऑर्गेनाइज नहीं, ऑर्गेनाइज कहने का मतलब कि एक ऐसी बात जिसका कुछ तुक बनता हो, जो आपस में वेल कनेक्टेड हो, जिनका कुछ मतलब निकलता हो कि इसके बाद ये मतलब निकला, इसके बाद ये मतलब निकला, बात समझ में। तो ऑर्गेनाइज तरीके से कोई ज्ञान दिया गया, और किसके बारे में दिया गया बच्चों, साइंस के बारे में दिया गया। साइंस इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट एक्वायर नॉलेज अबाउट, सॉरी नॉलेज दिया गया, किसके बारे में नॉलेज दिया गया, अबाउट, अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में दिया गया, सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास, सराउंडिंग कहने का मतलब हमारे आसपास है ना, थ्रू ऑब्जर्वेशन जो हमारे आसपास की चीजें उसके बारे में जानकारी दिया गया, किसके थ्रू दिया गया बच्चों, ऑब्जर्वेशन मैंने अभी बताया। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, देख कर गई चीज के बारे में अध्ययन कर लेना, और एक्सपेरिमेंट्स ठीक है, एंड वेरिफिकेशंस आप देखिएगा ना। तो जो हम बहुत सिंपल सी बात है कि सर साइंस क्या है, तो कहिएगा हमारे आसपास जो भी चीज है अगर मैं उसके बारे में आपको सिस्टमेटिक नॉलेज दे रहा हूँ, ऑर्गेनाइज तरीके से नॉलेज दे रहा हूँ, और वो नॉलेज आधारित है किन किन चीजों पर आधारित है, तो बच्चों ऑब्जर्वेशन पे, जैसे कि कूलम्ब का नियम ऑब्जर्वेशन, गुरुत्वाकर्षण ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स पे, एक्सपेरिमेंट आप समझ सकते होंगे कि जब उसको एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से मिलाओ तो जो मिलेगा जो निकलेगा वो एक्सपेरिमेंट्स हो गए। वेरिफिकेशन जैसे ओम के नियम का वेरिफिकेशन होता है, जैसे बता दिया कि भी प्रोपोर्शनल आई होता है तो प्रूफ करके बताइए, वेरीफाई कीजिए, तो आप एक बैटरी लेके आइएगा, तार लगाइएगा, करंट भरेगा, दूगो बैटरी लगाएगा और करंट भरेगा, तो इस तरह हम वेरीफाई करते हैं। तो जो भी हमारे आसपास है उसके बारे में जब हम नॉलेज देते हैं और वह नॉलेज आधारित होता है किस पर, वो होता है वेरिफिकेशन पे, एक्सपेरिमेंट पे, ऑब्जर्वेशंस पे, और वो हमारे आसपास के बारे में नॉलेज देता है, और वो नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और सिस्टमेटिक होना चाहिए। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, साइंस कहते हैं। तो आई थिंक आपको साइंस की डेफिनेशन बहुत ईजी से कम्प्लीट हो गई होगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर साइंस की क्लासिफिकेशन क्या है। देखो बच्चे, साइंस के कई क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, वो सब लोग अपने अपने टीचर्स लोग अपने हिसाब से देते हैं, तो उसको आप कन्फ्लिक्ट मत करवा लीजिएगा, सभी अपनी अपनी जगह ठीक होते हैं। तो यहाँ पर जो बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं उसमें जो सबसे मेन होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जो सबसे मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला का नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वो फिजिकल साइंस। सबसे पहला जो हमारे पास साइंस है उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस। मैं सबका मतलब समझाऊंगा वो क्या होता है। दूसरी चीजें जो हमारे सामने आती है, पहले को बोलते हैं फिजिकल साइंस बोलते हैं, दूसरे को हम लोग बोलते हैं वो मैथमेटिकल साइंस। मैथमेटिकल भी एक साइंस है वो मैथमेटिकल साइंस। अगर ये साइंस नहीं होता, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स एक साइंस नहीं है, लेकिन अगर ये मैथमेटिक्स साइंस नहीं होता तो हम साइंस में क्यों पढ़ रहे होते। तो पक्की बात है मैथमेटिक्स एक साइंस है। उसके बाद आता है बच्चे लोग जियो साइंस। धनाधन धन धनाधन पैसा वाला जियो क्या, नहीं, ये जियो मतलब होता है जियोग्राफी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। जियोग्राफी मतलब होता है भू, भू के बारे में, जैसे कि कब तड़का तड़केगा, कब बिजली गिरेगी, कब बारिश होगा, कब, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो मिलती है उसको बोलते हैं जियो के अंदर डालते हैं। फिर आता है हमारे पास सोशल साइंस, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा ये सब, सामाजिक विज्ञान, ये सब साइंस का हिस्सा है। फिर आता है बच्चों हमारे पास लाइफ साइंस। लाइफ साइंस जीव विज्ञान, आप लोगों ने जरूर देखा होगा इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहली बात कि सर ये फिजिकल साइंस का क्या मतलब हुआ। देखो फिजिकल का मतलब सुनो, हिंदी तो भौतिक होता है, मतलब सुनो चाहिए। देखिए कई बार आप सुनते होइएगा 2-3 बार कि फिजिकल मत होइए, मतलब शरीर से मजाक मत कीजिए, है ना, उसको बोलते हैं फिजिकल मत होइए। तो देखो बुआ, फिजिकल का बेसिक मतलब होता है जिस चीज़ को आप छू सकते हो, जैसे आपकी भावनाएं, क्या मैं इसको छू सकता हूँ, आपकी हैप्पीनेस, क्या मैं इसको छू सकता हूँ, आपकी सैडनेस, क्या मैं इसको छू सकता हूँ, नहीं छू सकता हूँ, लेकिन आपके बॉडी के पार्ट्स मैं छू सकता हूँ,
ये टी शर्ट मैं छू सकता हूँ, ये पेन मैं छू सकता हूँ, तो ये सब फिजिकल के अंदर आ रहा है। फिजिकल कहने का मतलब वो चीज़ जिसका प्रेजेंसेशन प्रेजेंट हो वो, और वो एटम फॉर्म में हो, वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में हो, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम उठा सकते हैं, जिसके बारे में अनुभव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है वो किसके फॉर्म में, किसके अंदर आती है, वो फिजिकल के अंदर आती है। तो फिजिकल साइंस के अंदर हम उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, मैटर, एटम, मॉलिक्यूल्स। अब एक बात बताओ, करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट छूओगे प्रेजेंटेशन आपको पता चलेगा कि क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो वो सब किसके अंदर आएंगे, फिजिकल साइंस के अंदर आएंगे। तो फिजिकल साइंस के अंदर दो चीज़ आता है। आप कहिएगा सर फिजिक्स और केमिस्ट्री कहाँ चले गए, अरे भाई साहब इसी के अंदर आता है। तो पहले को हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग फिजिक्स, और दूसरे को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। क्या ये बात आपको पता था कि हाँ फिजिकल साइंस के अंदर बांटा गया, पर उसका मतलब क्या हुआ, क्या आपको पता था? बिल्कुल पता होगा, तो आप लोग जानते हो जाए कि फिजिकल का मतलब आज जहाँ भी आएगा समझिए कि हम उस चीज़ को टच कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में अनुभव हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चे लोग, अच्छा फिर हमारे पास आता है फिजिक्स और क्या है बच्चे लोग, केमिस्ट्री। ये दो पार्ट है जिसको हमको किसके अंदर पढ़ना है, फिजिकल साइंस के अंदर। मैथमेटिक्स तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, मैथमेटिकल साइंस। जैसे एक बात बताओ, कई लोगों को लगता है मैथमेटिक्स एक साइंस नहीं है, गलत, मैथमेटिक्स एक साइंस है। और मैथमेटिक्स के बारे में आप जान लीजिएगा जितनी भी प्राकृतिक में घटनाएं हो रही है उस सारा का रिलेशन किसके साथ है, हुआ मैथमेटिक्स के साथ है। तो अगर मैं आपसे एक बात बताऊँ, एक नंबर आता है, अगर अगर आप मैथमेटिक्स को बहुत डीपली देखना चाहोगे तो इस नंबर को देखिए, है ना, इस नंबर को देखिए। ये नंबर ऐसा नंबर होता है जिससे पूरी प्रकृति गवर्न होती है, मतलब कि जो पाई की वैल्यू निकलती है वो भी इसी हिसाब से, जो पेड़ पौधे काम करते हैं वो भी देखिए, इनका भी जो तरह निकलता है वो इसी नंबर के हिसाब से निकलता है। एक एक में एक, जीरो में एक जीरो एक, फिर एक में एक जीरो दो, फिर दो में एक जीरो तीन, फिर तीन में एक जीरो पाँच, तीन में अपने पीछे वाले संख्या को जोड़ते चले जाइए, तीन में दो पाँच, पाँच में तीन, फिर आठ, मतलब इस तरह से क्या होता है प्रकृति का विकास होता है। सूर्यमुखी का फूल भी एक एग्जांपल है। तो आप कह सकते हो कि मैथमेटिक्स कोई अलग चीज़ नहीं है भाई, मैथमेटिक्स एक तरह का क्या है, साइंस है। वो अलग बात है क्या प्रैक्टिकली उसको अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन अगर डीप देखिएगा तो आपको लगा रहा यार मैथमेटिक्स भी तो साइंस ही है, लॉजिक का ही गेम है पूरा। तो मैथमेटिक्स भी साइंस है, जियो भी साइंस है, आपको बताता है कि कब आपका घटनाएं कैसे कैसे होगी, कैसे कैसे काम करेगी, कब बारिश होगा, कब भूकंप होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में। खैर भूकंप के बारे में तो पता पहले नहीं चलता है, लेकिन बता देता है कि कितना स्केल पे भूकंप हुआ है। तो ये सब किसके अंदर आता है, वो जियो के अंदर। सोशल सामाजिक विज्ञान के बारे में, कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है वो तो आप अच्छे से पढ़े हो, नैतिक शिक्षा, ये सब मॉडल साइंस, पता नहीं क्या क्या सब पढ़े हो, SST सब करते हो, ठीक है, SST इसी का पार्ट है। अब लाइफ साइंस, लाइफ साइंस को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी, आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी कि लाइफ साइंस जीव के बारे में जो पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बायोलॉजी। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि साइंस के कितने प्रकार होते हैं, वेरी गुड। तो अब हम लोग बात करते हैं, इसमें से हमें पढ़ना है फिजिक्स के बारे में, बाकी सब्जेक्ट के बारे में टीचर्स लोग आपको बात करेंगे। तो आज हमें पढ़ना है फिजिक्स के बारे में। तो आप ये कहिएगा फिजिक्स के बारे में क्या चीज़ है, ओके, तो हमें पढ़ना है फिजिक्स के बारे में। अब क्वेश्चन आता है कि फिजिक्स क्या है, तो आप बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के डेफिनेशन आपको पता होगा कि सर अब ये मत कहना कि सर फिजिक्स शब्द कहाँ से आया था ये सब। देखो हम पहले बोले ये नीट और जेई की क्लासेस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, जो हम नीट और जेई की क्लासेस बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन जहाँ पे टाइम पास की जरूरत है वहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे। हमारा क्वेश्चन, हमारा न्यूमेरिकल, हमारा कॉन्सेप्ट आगे हमारा इंतजार कर रहा है, इसीलिए हम इसको बहुत बेसिक तरीके से पढ़ के यहाँ से निकलना चाहते हैं, ताकि जब वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ पे कुछ टाइम देंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो आपके काम का आएगा। अब ये जान लेना कि फिजिक्स हम फ्यूचर से आया था, इसका मतलब होता है नेचर ये यहाँ से आया था, ये सब आई डोंट केयर अबाउट दिस, कि इसके बारे में आपको ज़्यादा बात करना चाहिए। तो हम लोग इसको लेकर के चलते हैं जितना इससे काम है, ठीक है। तो बच्चे लोग फिजिक्स क्या है, तो आप लोग जरूर जानते होंगे कि द ब्रांच ऑफ साइंस, या साइंस का वह ब्रांच है, ठीक है, जो कंसर्न, जो बताता है कंसर्न विद, किसके साथ जुड़ा हुआ है वो, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। फिजिक्स साइंस का वह ब्रांच है जिससे वो जुड़ा हुआ है, जिससे वो रिलेटेड है, किससे, नेचर और उसके गुण से। और वह गुण, अब एक बात बताओ, किसी शिवकली की पूछ कट जाती है, वो भी तो है, वो भी नेचुरल फिनोमिना है कि वापस भी पूछ आ जाती है, पर क्या वो हम फिजिक्स से पढ़ लेंगे, नहीं, वही पढ़ेंगे जिसका संबंध किससे हो, मैटर और एनर्जी से। नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। एक बड़ी फेमस वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, जिन्होंने फॉर्मूला दिया था E=MC². अब इस बात को समझिए, अब इस बात को समझने के लिए आपको जो थ्योरी समझना होगा उसका नाम होगा बिग बैंग। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या है, अब देखिए बच्चों, बिग बैंग थ्योरी आपसे ये कहता है कि किसी ने बताया कि धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उन्होंने बताया कि सेंटर पे, इस जगह पे बहुत सारा एनर्जी जमा था, अब ये एनर्जी अचानक ब्लास्ट हुआ, तो जब ये एनर्जी ब्लास्ट हुआ तो ये एनर्जी फैला, देखो, और जब ये एनर्जी था तो पहले कितना टेम्परेचर पे था, फिर टेम्परेचर कम,
फिर टेम्परेचर और कमा, फिर टेम्परेचर और कमा, और देखो समय भी कम रहा है। तो जब समय कमेगा, देखो धीरे धीरे समय कम रहा है, तो जब ये समय धीरे 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 मतलब कि सॉरी ये समय जो धीरे 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 एक्सपेंड करते जा रहा है, तो जो एनर्जी है वो धीरे धीरे ठंडा होते जाता है और धीरे धीरे स्लो होते जाता है। तो जब एक एनर्जी प्रकाश के चाल से उसकी स्पीड कम होने लगती है, तो वही प्रकाश की चाल जिसको ही बराबर एम सी स्क्वायर कहते हैं, तो वही एनर्जी कन्वर्ट होने लगता है मास में। मतलब एनर्जी जो कन्वर्ट हो रहा है वो किस में हो रहा है बच्चों? मास में। तो जो ये एनर्जी था वो देखिए धीरे 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 देखो मास में कन्वर्ट हो गया। पहले एटम बन गया, एटम के बाद वो चीज़ें इस तरह से काम किए, बहुत सारा इसमें साइंस है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे कि वो लेपर्ड क्या है, एंटी प्रोटोनो एंटी न्यूट्रोनो, उसमें भी नहीं जाना है। पहले देखो ये मास में कन्वर्ट हुआ, एटम के पास मास हुआ, और यही मास धीरे धीरे यूनिवर्स बन गया, यूनिवर्स से डीएनए बना और डीएनए से आदमी बन गया, मतलब बहुत सारे जीव जंतु बनना चालू हो गए। तो आई थिंक आप इस थ्योरी से समझ सकते हो कि भाई साहब क्या हुआ कि पहले एक एनर्जी थी, यह एनर्जी कन्वर्ट हुआ, धीरे धीरे अपनी स्पीड को स्लो किया, और जब ई बराबर एम सी स्क्वायर आइंस्टीन का जो फॉर्मूला है, जब प्रकाश की चाल घटेगी तो वही इलेक्ट्रिक वही जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मास में। तो ई प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है बुआ? मास यानी एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाएगा, और मास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। बहुत सिंपल सी बात है। अभी इसी बात को देखिएगा कि अब मैं आपको बताऊंगा कि इसी थ्योरी से मैं आपको बताऊंगा कि कोई बाबा जी गायक कैसे हो जाते हैं, फिर कोई भी आदमी जो अदृश्य हो जाता है बिला जाता है वो कैसे बिला जाता है? छुप काली मंत्र कैसे बिला गया, कैसे मिला गया? अब जरा बात को समझिए। देखो बच्चों क्या हुआ कि जब बता दिया आइंस्टीन सामने कि E बराबर क्या होता है MC स्क्वायर, मतलब एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो सकता है, और मास किस में? एनर्जी में। सारा खेल प्रकाश की चाल का है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं इसी बॉडी को प्रकाश के चाल के स्पीड से फेंक दूं तो ये अदृश्य हो जाएगा, और वापस उसी एनर्जी को स्पीड को कम कर दूं तो फिर वापस ये मास में बदल जाएगा। आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपको समझाई दिया। तो होता क्या है इस सवाल में कि जब मान के चलिए कोई आदमी कोई बाबा जी कोई स्पिरिचुअल आदमी जब वो जा करके तपस्या करता है हिमालय पर या किसी और जगह पर जाकर वो तपस्या करता है, तो उस तपस्या के दौरान वो अपने मन को साध लेता है। किसको साध लेता है? मन को साध लेता है, और मन को साधने के बाद वो जितनी इच्छा से चाहे अपने मन को दोहरा सकता है। तो जब वो अपनी मन की इच्छा को ऐसे करता है, आँख बंद किया, देखिए आँख जरूर बंद होता होगा, जब आँख बंद करते हैं तो अपने मन को प्रकाश की चाल से ज़्यादा स्पीड में दौड़ा देते हैं, तो वो वहाँ से क्या हो जाते हैं? एनर्जी बन जाते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। और वापस जहाँ प्रकट होना होता है, जैसे ही वो आँख अपने मन के चाल को कम करते हैं, वैसे ही वो एनर्जी वापस मास में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा पहले के हिसाब से होता होगा। तो कहिएगा सर हम भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको हिमालय जाना होगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी आपके मन को दोहराने का। मैं आपको एग्रेसर नहीं कर रहा हूँ कि आप 200-300 साल लग सकते हैं आपको अगर उतने दिन जिंदा रहे तो खैर आप एक सवाल आया कि सर अगर मान लीजिए मैं आधा अधूरा प्रैक्टिस करके चलाऊंगा तब तो होगा ये? आप 60 साल में जब वापस आइएगा तो आप गायब तो हो जाइएगा खुद को, लेकिन फिर वापस आने के लिए अगर मन भटक गया, अगर जा रहे हो रास्ते में कोई चीज़ दिख गया, अरे समोसा है, मन भटक गया आपका रास्ता से, आपका एनर्जी से आपका जो स्पीड है उससे कनेक्शन आपका टूट गया, फिर जिंदगी भर आप एनर्जी के एनर्जी ही बने रहोगे। ये मजाक का पात्र था। तो आप देखिएगा कि जो गायब होने वाले थ्योरी है वो भी इसको सही साबित करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? E बराबर जो MC स्क्वायर है, ये थ्योरी दिया था आइंस्टीन ने, जहाँ M दिखाता है मास को और C दिखाता है स्पीड ऑफ लाइट को, मतलब E एनर्जी हुआ, M मास हुआ। तो एनर्जी और मास, अभी मैंने बताया ना कि फिजिक्स का संबंध किससे है? मैटर और एनर्जी, मैटर मतलब मास ही उसमें अंदर आता है, तो मैटर से और किससे हुआ? एनर्जी से। तो आप समझ सकते हो E बराबर MC स्क्वायर किसका फॉर्मूला है बच्चों? फिजिक्स का फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हो दुनिया का बहुत लोग बोलेंगे बायोलॉजी के बिना मुश्किल है, अरे भाई ये DNA तब बना, ये सेल तब आया जब इस पार्ट को पार किया। कई लोग बोलेंगे इसके बिना मुश्किल है, केमिस्ट्री के बिना मुश्किल है, इसके बिना मुश्किल है। सभी सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर सभी सब्जेक्ट का कोई सबसे ज़्यादा हीरो रखता है अपने आप में तो उसका नाम है एनर्जी, यानी E बराबर MC उसका मतलब फिजिक्स। इसीलिए फिजिक्स को हमेशा टॉप पर रखा गया है, ठीक है? तो कहने का कुछ मतलब ये हुआ बच्चे लोग कि हम लोगों ने फिजिक्स की डेफिनेशन देखी, और इस सब्जेक्ट के अंदर हमें मैटर के बारे में पढ़ना है, फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स पढ़ना है, हीट पढ़ना है, लाइट पढ़ना है, रेडिएशन पढ़ना है, साउंड पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, मैग्नेटिज्म पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है। कई लोगों को लगता है कि ये केवल केमिस्ट्री का टॉपिक है, गलत। केमिस्ट्री और फिजिक्स आपस में बहुत हद तक जुड़ा हुआ है, आपको पता चलेगा। ये सारे टॉपिक्स कहाँ पढ़ने हैं? आपको फिजिक्स से पढ़ने हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, इस फिजिक्स के अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है? साउंड के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैग्नेटिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मैकेनिक्स, हीट, लाइट और रेडिएशन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है इस फिजिक्स के अंदर है। तो आप थिंक आपको फिजिक्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लोग अगला बात, सर टाइप्स ऑफ फिजिक्स कितने होते हैं?
फिजिक्स के टाइप्स कितने होते हैं? देखो बच्चों, फिजिक्स के दो टाइप्स होते हैं, एक को बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, एक को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, मतलब इसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। आप कहिएगा सर ये क्लासिकल फिजिक्स और ये मॉडर्न क्या? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जिस फिजिक्स की खोज 19वीं शताब्दी से पहले हुई उस फिजिक्स को बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, जिस फिजिक्स की खोज 19वीं शताब्दी से उसके बाद चालू हो गया तो उसके बाद मतलब 20वीं शताब्दी आ गया उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। 90% हिस्सा आपको पढ़ना है फिजिक्स में मतलब आईएससी में क्लासिकल, और मात्र 10% या उससे थोड़ा सा बैक ही होगा हमको पढ़ना है मॉडर्न। तो मतलब अगर आप पहले फिजिक्स के लॉज के बारे में जानते हैं इंटरमीडिएट में और तब उसका एप्लीकेशन आप आगे करते हो जब आप इंटरमीडिएट पार करके इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हो तब करते हो, तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि फिजिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो 19वीं शताब्दी से पहले जो खोज हुआ उसको बोलेंगे क्लासिकल, उसके बाद जो हुआ उसको बोलेंगे मॉडर्न। तो टाइप्स ऑफ फिजिक्स आपने देख लिया बच्चे लोग। अब सवाल आता है कि सर स्कोप क्या है फिजिक्स का? तो देखिए बच्चे लोग, स्कोप संभावनाएं, देखो फिजिक्स विल बी वाइड सिंस कवर्ड क्वांटिटी विथ लेंथ एंड मैग्नीट्यूड एज बिग एज 10^40 मीटर एंड मोर देन। जो एक बार बताओ, फिजिक्स कहता है कि हम उन चीजों को डील कर सकते हैं जिस चीज का साइज 10^40 मीटर से बड़ा हो। समझ में आ रहा है 10^40 मीटर कितना बड़ा हुआ है? इतना बड़ा हुआ बच्चों कि आप एस्ट्रोनॉमिकल चीज स्टडीज यूनिवर्स, जैसे यूनिवर्स होता है ना चांद तारा गैलेक्सीज, इतना बड़ा जो चीजें है वो सब आ जाता है किसके अंदर? 10^40 मीटर के अंदर। तो हमको फिजिक्स में इतने बड़े बड़े चीजों का भी अध्ययन करना है और एटम न्यूक्लियाई ये सब चीजों के बारे में अध्ययन करना है तो क्या वो बहुत बड़ा होता है? वो तो इतना छोटा होता है कि दिखता भी नहीं है। तो कहने का मतलब छोटे से छोटे चीजों से लेकर के और बड़े से बड़े चीजों का अध्ययन करना है, मतलब 10^-40 मीटर से लेकर के और 10^-14 मीटर तक का अध्ययन करना है, ठीक है, इस रेंज की चीजों का अध्ययन करना है। अगर आप टाइम के दृष्टिकोण से बात कीजिए तो 10^-22 सेकेंड, इतनी छोटी छोटी स्पॉन्टेनियस घटना है, अल्फा बीटा गामा निकलता है ना, जो एटम ऑफ निकलता है इतना स्पीड निकलता है कि आपका सेकेंड ये कितना बड़ा हिस्सा में निकल जाएगा। तो कहने का मतलब इतनी छोटे समय को भी मापना है और 10^18 सेकेंड इतने बड़े समय को भी मापना है। फिजिक्स में इस 10^-30 के जी आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन का मास 9.1×10^-31 के जी और 10^55 के जी धरती का मास, तो इलेक्ट्रॉन के मास से लेकर धरती के मास तक की चीजों को मापना है। तो छोटे से लेकर बड़े तक के अध्ययन करना है हमको इस फिजिक्स में, तो इसका स्कोप आप देख चुके होंगे। उसके बाद फिजिक्स को भी बताया हमने, कैटेगराइज किया है ब्रॉडली कितने काट कैटेगरी में, दो कैटेगरी में, एक को बोलेंगे क्लासिकल फिजिक्स और एक को बोलेंगे मॉडर्न फिजिक्स जो हम लोगों ने अभी देखा है। क्लासिकल फिजिक्स देखो बच्चे लोग, जब आप बहुत बड़े लेवल पे बात करते हो तो उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, जैसे धरती की बात करना, चांद की बात करना, तारा की बात करना, उसको बोलते हैं मैक्रो मतलब बड़ा। तो क्या बोलेंगे वो? क्लासिकल फिजिक्स वह ब्रांच है जिसके अंदर हम डील करते हैं मैक्रो फिनोमिना के बारे में, बड़े बड़े फिनोमिना के बारे में, और मॉडर्न फिजिक्स यानी क्वांटम फिजिक्स क्या है? वह फिनोमिना जिसको हम लोग माइक्रो फिनोमिना मतलब छोटे छोटे घटनाओं के बारे में, एटम न्यूक्लियाई एनर्जी लेपोर्ड, उसके बाद एंटी प्रोटोनो एंटी न्यूट्रोनो, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आई थिंक आपको बहुत बेस्ट डेफिनेशन मिल जाएगा क्लासिकल फिजिक्स क्या, इससे बेस्ट डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा। क्लासिकल फिजिक्स क्या है? तो जब मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना की चर्चा करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और जब माइक्रो छोटे का अनुभव स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग हम लोग? मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, आप घबराइए मत कि सर हमको याद कैसे होगा इतने इतने बड़ा, आपको केवल समझना है। जब चैप्टर एंड होगा तो सभी को स्टडी पैकेज मिल जाएगा और जो उसमें क्वेश्चन होगा बोर्ड एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से केवल वही याद कर देना और आपको आ जाएगा। तो पहले आपको हाथ को फ्री छोड़िए कि पहले सर आपको जो पढ़ाना है पढ़ाइए और लास्ट में याद करवाने की गारंटी हम पे छोड़िए, मैं आपसे याद करवा लूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। ऑब्जेक्टिव बनवा लूंगा, टॉपिक याद करवा लूंगा, दुनवरी पचनवरी सब कुछ करवा लूंगा, आप केवल अभी पढ़िए, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चे लोग कि सर इसके अंदर क्लासिकल फिजिक्स के अंदर कौन कौन ब्रांच हमको पढ़ने, तो आप देख सकते हैं मैकेनिक्स है, ये है ऑप्टिक्स है, ये सब सारी चीजें किसके अंदर है? क्लासिकल के अंदर है। अभी सब चीज क्या है तो आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। और मॉडर्न के अंदर एटॉमिक न्यूक्लियस बोलो ना, छोटी छोटी घटनाओं के बारे में क्वांटम फिजिक्स, तो जो छोटा छोटा घटना है जो छोटी छोटी लेवल में बात हो रही है वो मॉडर्न में, और जो बड़ी बड़ी लेवल में बात हो रही है वो क्लासिकल में। क्लासिकल के लिए न्यूटन साहब को थैंक्स कहिए, इसके लिए आप आइंस्टीन साहब को कहिए, ठीक है बच्चे लोग, पर आपको ज्यादा कम अभी न्यूटन से होगा। मेहनत के पैसे का तो क्या है, ज्यादा कम आपको न्यूटन से होगा, फिर कम काम आपको आइंस्टीन से होगा, ठीक है। तो चलो बच्चे आगे बात करते हैं।
हाँ अब देखिएगा बच्चे लोग, मैंने आपको अभी कहा ना कि देखो क्लासिकल फिजिक्स में साइज बड़ा होता है और क्वांटम फिजिक्स में साइज छोटा होगा। तो जैसे जैसे आप क्लासिकल से नीचे आओगे ना साइज छोटा होता चले जाएगा। ठीक, क्लासिकल फिजिक्स में स्पीड कम होता है, जैसे हम कितना स्पीड से फेंक सकते हैं इसको, 10 15 20 25 30 अभी मैंने बोला ना, तो यहाँ पर जो भी चीज़ होता है उसकी स्पीड कम होती है। और रिलेटिव मतलब क्वांटम फिजिक्स में जो भी चीज़ होता है उसका जो स्पीड होता है वो प्रकाश के चाल के बराबर हो जाता है। तो इस पिक्चर से आप और अच्छे से समझ सकते हो कि सर क्वांटम, क्वांटम मतलब मॉडर्न होता है, क्वांटम को मॉडर्न करते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स में हमको अपने साइज को छोटा रखना पड़ेगा और क्लासिकल फिजिक्स में हमको अपने साइज को बड़ा रखना पड़ेगा। स्पीड को कम रखना पड़ेगा क्लासिकल में, और जैसे ही स्पीड प्रकाश की चाल को पार करेगी तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे वो बोलो, क्वांटम यानी मॉडर्न में। तो आपको समझ में आ चुका होगा बच्चे लोग, ठीक है कि कैसे काम करते हैं। बिल्कुल, अब हम लोग बात करते हैं बच्चे लोग कि सर हाँ फिजिक्स के ब्रांच कितने हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चे लोग ब्रांच ऑफ फिजिक्स, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब देखिए ब्रांच ऑफ फिजिक्स में सबसे पहला ब्रांच को हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, सबसे पहला जो ब्रांच है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। आप कहिएगा सर ये मैकेनिक्स क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो मैं कहता हूँ आप स्टडी करते हो तो सबसे पहली बात, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, क्योंकि ये फिजिक्स का ही ब्रांच है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, प्लीज धीरे धीरे सुधर जाएगा, तब तक थोड़ा झेल लीजिए। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, इन विच वी स्टडी अबाउट, हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी अबाउट मोशन, ब्रैकेट में रेस्ट भी लिख लो क्योंकि रेस्ट और मोशन एक कंपैरिजन वाली चीज है, लेकिन अभी मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ कि किसके बारे में अध्ययन करते हैं, मोशन के बारे में। किसके मोशन के बारे में, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में। सुन लीजिएगा, जब आप ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में अध्ययन कीजिएगा उसी को मैकेनिक्स कहते हैं। अब कहेगा ये हमको समझ में नहीं है, जैसे मान के चलिए यहां से प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रहा है, तो ये लाइट क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसके बारे में हम अध्ययन इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पेन को फेंक रहे हैं, फेंकेंगे नहीं क्योंकि वैसे ऊपर गिर चुका है, अब टूटेगा तो आएगा भी नहीं मेरे से, तो अगर मैं इसको फेंकूंगा तो ये जो फेंकेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैटर होता है, जिसके अंदर मास होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है तो उसके उसके बारे में जो भी चीज आप अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। आपको समझ में आ गया होगा कि यह फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं, किसका स्टडी करते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो जिसके अंतर्गत मास पाया जाता है और जो मैटर की तरफ, मैटर को समझिए हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चे लोग, मैकेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी मैंने बताया इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, आप ऊपर से देख करके लिख लीजिएगा, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, किसके बारे में स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ हीट फ्लो, मोशन ऑफ हीट। वहां पिछले वाले में किसके बारे में अध्ययन किए थे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें किसके बारे में अध्ययन किए, मोशन ऑफ हीट। अब देखिए कैसे, जैसे ये बॉडी गर्म है ठीक और ये बॉडी ठंडा है, जब आपस में आप इसे जोड़िएगा तो हीट जो है वो गर्म से किधर जाएगा, ठंडा की ओर। तो यहाँ पे देखिए हीट का फ्लो हुआ कि नहीं हुआ, इसी चीज को हम पढ़ते हैं किसके अंदर, वो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। क्लियर है बच्चे लोग, तो अभी हम लोगों ने ब्रांच में जान लिया कि मैकेनिक्स किसे कहते हैं जिसके अंतर्गत हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ेंगे बउआ, हीट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, अब आता है इलेक्ट्रोमैकेनिक्स। इलेक्ट्रोमैकेनिक्स क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम चार्ज के मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि चार्ज कब रुका हुआ है, कब चल रहा है, चलेगा तो इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करेगा, साथ ही साथ अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तभी तो 11,000 के तार किसी भी चीज को अपनी ओर खींच लेता है, किसी आदमी वगैरह को। तो कहने का मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है या रेस्ट में होता है तो उसके कई कंडीशंस होते हैं, जैसे वह करंट उत्पन्न कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर देता है, ये सारी चीजें होती है। तो कहने का मतलब कोई पूछेगा इलेक्ट्रोमैकेनिक्स क्या, तो आप कहिएगा यह फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं बताइए बच्चों, किसके बारे में स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं बच्चे लोग चार्ज के मोशन के बारे में, किसके मोशन के बारे में, चार्ज के मोशन के बारे में। वेरी गुड, तो चलिए ये डेफिनेशन आप ऊपर से देख के लिख लीजिएगा तो ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। ये बात तो सब में कॉमन है ना कि इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, पहले वाले में मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरे वाले है मोशन ऑफ हीट, तीसरे वाले है मोशन ऑफ चार्ज। क्लियर, अब आता है ऑप्टिक्स। देखिए ऑप्टिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं एवरीथिंग अबाउट लाइट, एवरीथिंग अबाउट लाइट। आप लोग नोट जरूर बनाइएगा इसका,
एवरीथिंग अबाउट लाइट, मतलब कि प्रकाश के बारे में जो भी चीज है सब कुछ के बारे में पढ़ लीजिएगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बोगा ऑप्टिक्स। प्रकाश के बारे में जो चीज है सब चीज के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसे क्या बोलेंगे, बोगा ऑप्टिक्स। जैसे यहां देखिए आपका आंख है, ये प्रकाश पे सेंसेशन होता है, उसके बाद ये जो लाइटिंग हो रहा है ये लाइट को सात भागों में तोड़ रहा है। तो ये जितने भी फिनोमिना है जो हमको पढ़ना है वो सब किसके अंदर पढ़ना है, वो ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ना है, ठीक है, जो ट्वेल्थ में हम लोग को पढ़ना है। और आपको दसवां है प्रक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश की।